हे यो व्हाट्स अप एवरीबॉडी, तो आप सभी का स्वागत है आज फिर एक और नई वीडियो में। तो आज मैं फिर से एक और फोटो एडिट करने वाला हूं जो कि मैंने रिसेंटली अपलोड की थी अपने इंस्टाग्राम पर, तो जो कि है ये वाली पिक जिसमें मैंने रेड और पिंक कलर की थोड़ी कलर ग्रेडिंग कर रखी है। तो मैं आज उसी के बारे में आपको बताने वाला हूँ कि कैसे मैंने व्यू फोटो को एडिट किया है, क्या कलर सेटिंग्स है। तो बने रहिए वीडियो पर लास्ट तक का। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना और फैला दो अपने दोस्तों में। और मैं ये पिक अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड करता हूँ, अगर आपने वहाँ पर मुझे फॉलो नहीं किया तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। सो फ्रेंड्स, तो अभी हम आ चुके हैं अपने मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पर। तो मैं अपने लाइट रूम ऐप को ओपन कर लेता हूँ और इसमें इंपोर्ट कर लूँगा उस पिक को जिसको मुझे एडिट करना है। तो ये रही, मैंने इसको इंपोर्ट कर लिया। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने इसको ओपन कर लेता हूँ अभी। तो ये रही, इसमें हम सबसे पहले ये लाइट्स वाला जो ऑप्शन है यहाँ पर क्लिक करेंगे। ठीक है, और इसमें हमें जो एक्सपोजर है एक्सपोजर को -20 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया, -20 +20 करेंगे। ठीक है, और जो कॉन्ट्रास्ट है कॉन्ट्रास्ट को बढ़ाकर हम कर देंगे 58। हो गया, हाइलाइट्स को बढ़ाकर हमें -1 कर देना है। ठीक है, चलो इसको 0 ही रहने देते हैं। शेडोज को बढ़ाकर हमें 71 कर देना है। तो 71 हो गया। और वाइट्स को हमें -100 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ब्लैक्स को हमें 14 कर देना है माइनस। तो अभी हम चलते हैं इस वाले टेम्परेचर जो बना हुआ है कलर्स वाले ऑप्शन पर। तो इसमें हमें करना है जो टेम्परेचर है टेम्परेचर को 0 रहने देना है और टिंट को बढ़ाकर 7 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये देखिए हमारी पिक कितनी ज़्यादा पंची हो चुकी है। ये देखिए फ्रेंड्स, तो वाइब्रेंस जो है इसको हमें बढ़ाकर 15 कर देना है। ये आ गया 15। सैचुरेशन को बढ़ाकर हमें 22 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। अभी हम चलते हैं यहाँ पर ऊपर जो ये रिंग बना हुआ है कलरफुल, यहाँ पर हम क्लिक करेंगे और इसके अंदर जाने के बाद ऑरेंज कलर को जो सबसे पहला कलर है रेड वाला, इसके हमें सैचुरेशन को डाउन कर देना है। सैचुरेशन को डाउन हमें 24 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया। ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें 7 कर देना है। ये हो गया 7। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कलर पर, ऑरेंज है, जो ऑरेंज को हमें -53 कर देनी है इसकी सैचुरेशन। हो गई, ह्यू को बढ़ाकर हमें 8 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो इसकी ल्यूमिनस है ऑरेंज कलर की, इसे बढ़ाकर हमें 40 कर देना है। ये हो गया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कलर पर जो कि है येलो। येलो को, येलो कलर में हमें सैचुरेशन को बढ़ाकर 31 कर देना है। हो गया 30, ये हो गया 31। इसकी ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें 14 कर देना है फ्रेंड्स। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट ग्रीन वाले कलर पर। तो अभी हमें ह्यू को बढ़ाकर कर देना है 44। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैं बढ़ा दे रहा हूँ, ये हो गया 44। सैचुरेशन को बढ़ाकर हमें कर देना है 15। ये देखिए 16 हो चुका है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है। ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें 60 कर देना है।
तो फ्रेंड्स जो इसकी ल्यूमिनस है ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें 26 कर देना है। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले कलर पर, ब्लू कलर पर। इसकी सेचुरेशन को हमें -10 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, और जो ल्यूमिनस है ल्यूमिनस को भी -2 कर देना है। ठीक है, और जो ये नेक्स्ट पर्पल कलर है, पर्पल कलर में हमें इसकी सेचुरेशन को डाउन कर देना है 57, और ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें कर देना है 45। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए यहाँ तक का अपनी पिंक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी है। और अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले पिंक कलर पर। इसकी हमें सेचुरेशन को -2 कर देना है। ठीक है, और ल्यूमिनस को बढ़ाकर हमें 12 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हो गया है और यहाँ से हमारी पिंक हो चुकी है डन। तो अभी हम चलते हैं नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर। तो नेक्स्ट वाले ऑप्शन पर आने के बाद जो ये बना हुआ है टेक्सचर को क्लियरिटी और जो ये विजन है, इसमें ये वाले ऑप्शंस हैं, टूल्स हैं, तो इनका हमें जो टेक्सचर है टेक्सचर को हमें -16 कर देना है। ठीक है फ्रेंड्स, जो क्लियरिटी है क्लियरिटी को बढ़ाकर हमें 17 कर देना है। ये हो गया 17। और इसके बाद जो डेहाइज है इसको हमें -12 कर देना है। ये हो गया, और जो ये विग्नेट है इसको हमें -54 कर देना है। ये हो गया 54। और मिड पॉइंट वगैरह जो है फेदर है, फेदर को हमें -41 कर देना है। ठीक है, यहाँ से हमारी पिक हो चुकी है डन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वाले टूल पर जो कि है शार्पनेस और नॉइस रिडक्शन वाला। इसमें हमें शार्पनेस को बढ़ाकर कर देना है 124, जिससे हमारे फोटो के अंदर बहुत ही ज़्यादा शार्पनेस आ जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और इसके बाद जो रिड्यूस है रिड्यूस को हमें बढ़ाकर कर देना है 1.50। ठीक है फ्रेंड्स, डिटेल्स हमारी 25 ही रहेगी। और मास्किंग जो है मास्किंग को हमें बढ़ाकर कर देना है 34। इसके बाद नॉइस रिडक्शन जो है इसको 71 कर देंगे हम बढ़ाकर, और डिटेल जो है डिटेल भी हम इसकी बढ़ा देंगे 91 कर देनी है, और कंट्रास्ट को भी हमें बढ़ाकर कर देना है 31। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी हम आ जाते हैं और नीचे जो कि है कलर नॉइस रिडक्शन। कलर नॉइस रिडक्शन को हमें बढ़ाकर कर देना है 100 फुल। और आप अपनी पिक के हिसाब से देख सकते हैं कि आपको कैसे करना है। डिटेल्स को हमें बढ़ाकर कर देना है 66। ठीक है फ्रेंड्स, और स्मूथनेस को हमें 66 कर देना है। तो ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक का हमारी पिक हो चुकी है डन। और अगर आपको अपनी पिक ज़्यादा ब्राइट लग रही है तो हम इसकी वाइटनेस को थोड़ा माइनस कर देंगे, एक्सपोजर को। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए अपनी पिक कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त हो चुकी है। तो ये देखिए बिफोर, ये आफ्टर, बहुत ही ज़्यादा मस्त हो चुकी है अपनी पिक। तो ऐसी ढेर सारी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए, ऐसी कलर टोन्स के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऐसी मैं ढेर सारी वीडियोस डेली या हर दूसरे तीसरे दिन या वीक में लेकर आता रहता हूँ। तो बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल पर, और अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप अपने इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कर दो, फैला दो। और मिलता हूँ नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय मेरे दोस्तों।